ये सच्ची कहानी उन मछुआरों की है जो मछली पकड़ने के लिए समंदर के एक ऐसे हिस्से में पहुँचे जहाँ पहुँचने के बाद उन्हें पता चला बीच पर बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है। दूर से देखने पर इन्हें लगा शायद यह तूफान छोटा मोटा है, प्रॉब्लम की कोई बात नहीं, पर अगले कुछ ही घंटों में तूफान विकराल रूप ले लिया। बीच पर अलर्ट जारी किया गया कि कोई भी घर से बाहर न निकले, लेकिन जब कोस्ट गार्ड को यह खबर मिली कि कुछ मछुआरे फंस गए हैं समंदर में तो वे उन्हें बचाने हेलीकॉप्टर से निकल पड़े, पर वहां पहुंचकर जो उनके साथ हुआ किसी भी कोस्ट गार्ड ने जरा भी उम्मीद नहीं की थी। स्टोरी की शुरुआत हुई 31 अक्टूबर सन 1991 को। यह स्थान है अमेरिका का लॉन्ग आइलैंड, जहां इस टाइम तूफान चरम पर है। समंदर में पानी की ऊंची ऊंची लहरें बीच से आकर टकरा रही थी। दिन के वक्त आसमान घने काले बादल से घिरा हुआ है। उस टाइम का नजारा कुछ ऐसा था मानो जैसे प्रलय आने वाला हो। इसी बिगड़ते माहौल के टाइम कोस्ट गार्ड को पता चला कि कुछ मछुआरे समंदर में गए थे मछली पकड़ने, पर वे अभी तक किनारे नहीं आए। वे तूफान का शिकार न बन जाए इसलिए कोस्ट गार्ड की एक टीम को उन्हें वहां से लाने के लिए कहा गया। इस अर्जेंट मिशन के लिए नेशनल गार्ड एयरफोर्स की टीम को चुना गया जो स्काई डाइविंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, स्कूबा डाइविंग तथा और भी कई सारे चीजों में स्पेशलिस्ट थे। ये कोस्ट गार्ड मिलिट्री हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे, पर तूफान के बीच टीम तैयार करने में काफी समय लगने वाला था क्योंकि कई सारे कोस्ट गार्ड अभी ऐसे हैं जो अभी भी बेस पर नहीं पहुंचे। हेलीकॉप्टर के पायलट ने जब वहां के मौसम की जानकारी निकाली तो उन्हें जो आंकड़े देखने को मिले हिलाने वाले थे, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में हेलीकॉप्टर को ज्यादा समय तक फ्लाई करना खतरे से खाली नहीं होगा। साथ ही साथ ये लॉन्ग आइलैंड से काफी दूर थे। जब उस दूरी को कैलकुलेट किया गया तो पता चला ये दूरी 40 से 45 किलोमीटर है। यही दूरी इनके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर रही थी। यदि ये फुली लोडेड फ्यूल के साथ यहाँ से निकले भी तो वहाँ पहुँच तो जाएंगे, मगर उन्हें रेस्क्यू करने तथा वापस आने के लिए फ्यूल नहीं होगा। यह रेस्क्यू मिशन बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता था, पर इनके पास इसका भी उपाय है। ये इस मिशन में मदद लेने वाले थे एक फ्यूल इंजेक्टर हेलीकॉप्टर का, जो इन्हें जरूरत पड़ने पर हवा में ही हेलीकॉप्टर में फ्यूल देगा। इसलिए अब और देरी नहीं की गई। कोस्ट गार्ड की टीम मिलिट्री हेलीकॉप्टर की मदद से समंदर के बीच निकल पड़ी। बीच रास्ते में ही थे तभी इन्हें देखने को मिला तूफान काफी भयंकर है, इन्हें बड़े सावधानी से आगे बढ़ना होगा, कहीं ये मछुआरों को बचाने के चक्कर में खुद किसी प्रॉब्लम में न फंस जाए। बीच समंदर में पहुंचकर जब आगे के मौसम की जानकारी ली गई तो पता चला सी स्ट्रॉम बढ़ रहा है उन्हीं की तरफ, इन्हें हर समय अलर्ट रहना होगा। यहां सबसे बड़ी चुनौती थी पायलट की, क्योंकि तेज हवा तथा बारिश के बीच हेलीकॉप्टर को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर मछुआरों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे सभी कोस्ट गार्ड। लगभग 45 मिनट फ्लाई करने के बाद इन्होंने पाया कि बारिश तेज हो गई है जिसका सीधा इम्पैक्ट पड़ रहा है हेलीकॉप्टर पर। ये मछुआरों तक पहुँचे भी नहीं थे कि हेलीकॉप्टर में फ्यूल की जरूरत पड़ने लगी। इसी टाइम एक दूसरा हेलीकॉप्टर भी इनके पीछे पीछे था जो फ्लाई करने के समय ही हेलीकॉप्टर में फ्यूल देगा, पर ऐसे सिचुएशन में दोनों पाइप्स के नोजल को एक दूसरे के सामने लाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, जिसका सबसे बड़ा रीजन था हेलीकॉप्टर का जरूरत से ज्यादा मूव करना। और इस खराब सिचुएशन में भी दोनों पाइप्स आपस में असेंबल हो गए। इस तरह हेलीकॉप्टर में फ्यूल भरा जाने लगा। फ्यूल लेने के बाद कोस्ट गार्ड जल्दी से आगे बढ़ गए जबकि दूसरा पीछे ही रहा, पर आगे जाने के जस्ट बाद उन्होंने पाया अचानक से हेलीकॉप्टर में टर्बुलेंस बढ़ गई है। और तो और समंदर से इनकी ऊंचाई मात्र 40 फीट थी। पायलट ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि नीचे मौजूद कोस्ट गार्ड को आसानी से देखा जा सके, पर हेलीकॉप्टर को इतने नीचे फ्लाई करना खतरे से खाली नहीं होता। सब जानते हुए भी रिस्क ले रहे थे ये लोग। अब तक बीच से निकले हुए लगभग 2 घंटे कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन मछुआरे तथा उनका बोट अभी भी नहीं दिखा। पर अगले पल जब बिजली कड़की तो इन्होंने देखा एक बोट इन्हीं के सामने है, उस पर मौजूद मछुआरे इशारा कर रहे हैं। मछुआरों के करीब तो पहुंच गए, पर उन्हें हेलीकॉप्टर में लेना आसान नहीं था क्योंकि नीचे बोट कई फीट ऊंची लहरों में उलझा पड़ा है, वह एक जगह स्थित है ही नहीं। अगले कई मिनट तक मछुआरों को हेलीकॉप्टर में ही रहकर ऊपर लाने की कोशिश किए, पर उनकी हर कोशिश नाकामयाब साबित हुई। काफी सोच विचार के बाद कोस्ट गार्ड ने फैसला किया उन्हें लेने के लिए हमें ही नीचे जाना होगा, और ऐसा करना रिस्क से भरा है, पर यहाँ पहुँचने में इन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे रिस्क लिए हैं, अब ये और पीछे हटने वाले नहीं थे। कोस्ट गार्ड नीचे तो उतारना चाहते हैं, पर बिगड़ते मौसम को देखकर रुक जा रहे थे क्योंकि तूफान अब तक पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था, साथ ही साथ फ्यूल भी खत्म हो रहा है। इसलिए नीचे उतरने से पहले जिस हेलीकॉप्टर को इन्होंने पीछे छोड़ दिया था उससे संपर्क किए, क्योंकि जब तक ये दोबारा से फ्यूल नहीं ले लेते आगे कोई भी रिस्की कदम उठाने वाले नहीं थे। रिफ्यूलिंग के इंतजार में कई मिनट तक बोट के आसपास ही मंडराते रहे।
फाइनली कुछ ही मिनट के इंतजार के बाद रिफ्यूलिंग हेलीकॉप्टर पहुंच गया। पिछली बार भी रिफ्यूलिंग में प्रॉब्लम हुई थी, पर इस बार पहले बार से भी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। हेलीकॉप्टर की जरूरत से ज्यादा मूव करने की वजह से दोनों पाइप्स के केबल एक दूसरे के पास जा ही नहीं रहे थे। मौसम जैसे जैसे खराब होने लगा, समय के साथ हेलीकॉप्टर उनके कंट्रोल से बाहर होता गया। यहाँ कई बार की कोशिश के बावजूद भी रिफ्यूलिंग नहीं हो पाई, इसलिए न चाहकर भी रिफ्यूलिंग हेलीकॉप्टर को वहाँ से दूर जाना पड़ा, क्योंकि ये ज्यादा समय तक एक दूसरे के पास रहे तो खराब मौसम के बीच दोनों के क्रैश करने की संभावना थी। लेकिन वे ज्यादा समय तक रिफ्यूलिंग से पीछे नहीं हट सकते थे, क्योंकि अगर और देरी की गई तो कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर नीचे क्रैश कर जाएगा। जब दोबारा से रिफ्यूलिंग की कोशिश की गई तो उसी टाइम हेलीकॉप्टर रिफ्यूलिंग का इंडिकेटर दिया, यानी अगर ये इस बार कामयाब नहीं हुए तो मिलिट्री हेलीकॉप्टर समंदर में क्रैश कर जाएगा। हेलीकॉप्टर अब तक तो लो फ्यूल का इंडिकेटर दे रहा था, पर अगले क्षण उन्होंने देखा कि हेलीकॉप्टर में और भी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स थी क्या उसे फिक्स कर पाते, ऊंचाई और भी कम होने लगी। पायलट को भी एहसास हो चुका था कि अब हम हेलीकॉप्टर को ज्यादा समय तक फ्लाई नहीं कर सकते, इसलिए इस इमरजेंसी की सिचुएशन में मेड़े मेड़े का कॉल किए। हेलीकॉप्टर जैसे जैसे समंदर की तरफ बढ़ रहा था, सभी कोस्ट गार्ड नीचे उतरने की तैयारी शुरू कर दिए। हेलीकॉप्टर जब पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो कोस्ट गार्ड उसके पूरी तरह से नीचे आने का इंतजार नहीं किए। एक एक करके सभी कोस्ट गार्ड ऊपर से ही नीचे कूदने लगे, क्योंकि ऐसे में अगर ये नीचे कूदे तो बचने की संभावना होगी। अगर हेलीकॉप्टर में ही रहे तो शायद आग लगने की वजह से वे इंजर्ड हो जाएं। यहाँ जब पहला कोस्ट गार्ड नीचे कूदा तो उस टाइम हेलीकॉप्टर 20 मीटर की ऊंचाई पर थी। ये हेलीकॉप्टर के और नीचे आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब सिचुएशन और ज्यादा खराब होने लगी तो बाकी कोस्ट गार्ड भी नीचे कूदना शुरू कर दिए। ये भले ही पानी में कूद रहे थे, लेकिन इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने से इन्हें इंजरी आने का खतरा था, मगर इस खराब सिचुएशन में इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार हो गए। तीनों कोस्ट गार्ड के कूदने के बाद जब चौथा बंदा कूदने वाला था तो उससे पहले उसने लाइफ बोट नीचे फेंका, पर वह नीचे कूदने से डर रहा है। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर के जिस हिस्से में थे, सन 1991 के टाइम तूफान बहुत ही भयंकर था। जैसे तैसे आखिरी कोस्ट गार्ड भी नीचे कूद गया, पर पायलट तो अभी भी हेलीकॉप्टर में ही है। वह नीचे आने की कोशिश जैसे किया, हेलीकॉप्टर सामने ऊंची लहर से जा टकराई। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए, पर ये इंसिडेंट इतनी तेजी से हुआ कि पायलट को बाहर निकलने का भी समय नहीं मिला। जब तक वह बाहर निकल पाता, पूरा हेलीकॉप्टर पानी में डूब चुका था। इस टाइम वह मौजूद था सामने के हिस्से में, सामने के ग्लास को बार बार तोड़ने की कोशिश किया, पर वह टूटा ही नहीं। अगले कई सेकंड तक सांसों को रोक कर रखा, वह इंतजार कर रहा था कि कब हेलीकॉप्टर पूरी तरह से पानी में डूब जाए, क्योंकि ऐसा होने पर वह ग्लास को उखाड़ सकता है। और अंत में हुआ भी ऐसा ही। जब हेलीकॉप्टर पूरी तरह से डूब गई तो वह थोड़ी ही ताकत से ग्लास को उखाड़ दिया और निकल आया बाहर। इस टाइम वह लाइफ जैकेट पहना हुआ था, इसलिए बाहर आते ही सरफेस पर आ गया। उस टाइम तूफान के दौरान जिस तरह की लहरें थी, जब उसकी ऊंचाई मेजर की गई तो पता चला उस टाइम लहरें 10 मंजिला इमारत के बराबर थी। इसी वजह से हेलीकॉप्टर की टक्कर सी वेव से हुई थी। को पायलट भले ही बच गया है, पर जिस जगह मौजूद था वहाँ का तापमान बिल्कुल कम है, ठंडे पानी में रहना मुश्किल हो रहा था। पर इससे भी बड़ी प्रॉब्लम थी समंदर की ऊंची ऊंची लहरें, जो उसे एक जगह रुकने ही नहीं दी। उसके बाकी साथी कहाँ है ये भी नहीं पता, बस ऐसे ही पानी में भटक रहा था। चिल्लाकर कई बार आवाज लगाया, आवाज लगाने के बाद भी उसे दूसरी तरफ से आवाज सुनने को मिली। जब थोड़ी दूर पीछे गया तो उसे एक कोस्ट गार्ड मिला। ये देख उसे इतना तो पता चल चुका है, बाकी कोस्ट गार्ड भी आस पास ही है, इन्हें कैसे भी करके उन्हें ढूंढना है। इस टाइम हम ये भूल ही चुके कि ये आए थे मछुआरों को बचाने, पर यहाँ पहुंचकर ये खुद फंस गए। ये दूसरों को क्या बचाएंगे, इन्हें खुद मदद की जरूरत थी। इसके आगे दोनों कोस्ट गार्ड बाकी कोस्ट गार्ड को ढूंढने के साथ साथ मछुआरों को भी ढूंढने लगे, पर ऊपर से मछुआरे तो साफ दिखाई पड़ रहे थे, पर नीचे आने के बाद वे कहाँ गए इसका जरा भी अंदाजा नहीं था उन्हें। इसके बाद हमें तीसरे बंदे के बारे में पता चला, जो हेलीकॉप्टर से कूदने के बाद ही बेहोश हो गया था। लाइफ जैकेट पहने रहने की वजह से वो अभी भी पानी में तैर रहा है, लेकिन जब उसे होश आया तो पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा, पर उसे चारों तरफ पानी के सिवाय कुछ नहीं दिखा। पर यहाँ सोचने वाली बात यह थी कि उतनी ऊंचाई से बाकी लोग भी कूदे थे, पर वे बेहोश क्यों नहीं हुए। दरअसल कूदने के जस्ट बाद उसके पैर की एक हड्डी टूट गई थी, इसी वजह से वह बेहोश हो गया। लेकिन अब जब उसे होश आया तो वह पैर के दर्द से चीख उठा। जिस तरह तीसरे कोस्ट गार्ड की पैर की हड्डी टूटी थी, सेम इसी तरह चौथे तथा पांचवें कोस्ट गार्ड की भी कई सारी हड्डियां टूट चुकी थी। पर यहाँ मन में एक सवाल जरूर उठता होगा,
ये तो पानी पर कूदे थे, फिर इन्हें चोटें कैसे आईं? लेकिन हमने आपको बताया, ये जिस टाइम कूदे थे उस टाइम हेलीकॉप्टर की ऊंचाई थी 40 मीटर से भी ज्यादा, यानी ये कई मंजिला इमारत से भी ऊपर थे। पर यहाँ इनके हड्डी टूटने का रीजन था गलत तरीके से नीचे कूदना, क्योंकि चौथा कोस्ट गार्ड भी तो कूदा था पर उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। चौथे कोस्ट गार्ड को भी जब होश आया तो वह भी तीसरे वाले की तरह इधर उधर देखा, पर ना उसके चारों साथी दिखे ना मछुआरे, सिर्फ आसपास दिख रही थी ऊंची ऊंची समंदर की लहरें। अब तक हेलीकॉप्टर के क्रैश हुए 30 मिनट कंप्लीट हो चुके थे। इस आधे घंटे के बाद ही उन दोनों कोस्ट गार्ड को तीसरा बंदा मिला जो बेहोशी की हालत में तैर रहा है। इस तरह तीन लोग तो मिल चुके थे पर बाकी दो लोग अभी भी अलग अलग हैं। यहाँ बर्फ की तरह ठंडे पानी में रहना सभी को हाइपोथर्मिया की ओर ले जा रहा था। इसी टाइम चौथा कोस्ट गार्ड जो अभी भी अकेला था उसकी किस्मत अच्छी थी, वह तैरते तैरते लाइफ बोट के पास पहुँच गया जिसे इन्होंने हेलीकॉप्टर से कूदने के दौरान ही नीचे उतार दिया था। लाइफ बोट के अंदर आने के बावजूद वहाँ लेटे रहना आसान नहीं था, लहरों की वजह से वह बार बार हिल रहा है। उसे हर पल इसी बात का डर था कहीं लाइफ बोट पलट न जाए। जिस चीज को लेकर वह डर रहा था अंत में वही हुआ, सामने ऊंची सी लहर आई, पलक झपकते ही बोट को पलट दी, इसी वजह से वह गिर पड़ा पानी में। इस टाइम ये समंदर की ऊंची ऊंची लहरों की वजह से बहकर किनारे से और भी दूर जा चुके थे। इन्हें बचाने के लिए दूसरी रेस्क्यू टीम कब आएगी, क्या ये बच पाएंगे? पर सबसे बड़ा सवाल, ये जिसे बचाने आए थे वे मछुआरे, उनका क्या होगा? अगर वे इस टाइम जीवित हैं तो है कहाँ? सवाल तो कई थे पर जवाब मिलना उन्हें बाकी था। अब तक हेलीकॉप्टर के क्रैश हुए लगभग 2 घंटे कंप्लीट हो चुके थे। पिछले 2 घंटे से ठंडे पानी में रहने से बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो चुका था। लाइफ बोट से नीचे गिरा कोस्ट गार्ड जब पानी से बाहर निकला तो उसने देखा सामने कई मीटर ऊंची लहर आ रही है उसी की ओर। उसे लगा कि अब वह नहीं बचेगा, पर उन्हीं लहरों के बीच उसे लाइट देखने को मिली। वह बंदा देरी न करते हुए स्कूबा लाइट को ऑन किया क्योंकि उसे लग रहा था शायद से सामने कोई दूसरी हेलीकॉप्टर है जो आई है उन्हें बचाने। उसी की तरह बाकी कोस्ट गार्ड भी जख्मों के साथ उलझे पड़े थे। अगले आधे घंटे तक ऐसे ही पड़े रहे, यानी हेलीकॉप्टर के क्रैश हुए 3 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, पर तीसरा कोस्ट गार्ड अभी भी लाइट ऑन करके अपना लोकेशन बताने की कोशिश कर रहा है। ऐसा करते हुए उसे 1 और घंटे कंप्लीट हो गए। पानी में रहते हुए हो चुके थे पूरे 4 घंटे। वहीं दूसरी ओर जो पास पास 3 कोस्ट गार्ड थे वे अभी भी उलझे पड़े हैं। ये हर समय रेस्क्यू टीम के आने की इंतजार में है, लेकिन ना ही अभी तक रेस्क्यू टीम आई ना वे मछुआरे दिखे जो बोट में थे। इसी टाइम 5वें कोस्ट गार्ड का पता चला जिसका लाइफ जैकेट उसके शरीर से निकल चुका है। वह डूबता जा रहा था समंदर में, पर लाइफ जैकेट का एक हिस्सा अभी भी उसके हाथ में है। जैसे जैसे रात गुजर रही थी मौसम समय के साथ और भी खराब होने लगा। चारों तरफ लाइटनिंग स्ट्राइक तथा हवाओं की तेज ससराने की आवाजें सुनाई पड़ रही हैं। लगभग 5 घंटे तक सर्वाइव करते करते उनमें से 2 कोस्ट गार्ड हाइपोथर्मिया की पहले स्टेज में जा चुके थे, यानी अब धीरे धीरे इनका शरीर ठंडा पड़ने लगेगा। ऐसी स्थिति में इनकी दिमागी हालत खराब हो जाएगी, धीरे धीरे बॉडी के सभी ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे, उसके बाद उन्हें जीवित नहीं बचाया जा सकता। लेकिन ये पूरी तरह से होप खोते इससे पहले इन्हें सामने लाइट देखने को मिली जो शायद हो सकती थी रेस्क्यू टीम की। जब हेलीकॉप्टर और नजदीक आई तो इन्होंने पाया सच में ये रेस्क्यू टीम है जो आई है उन्हें बचाने। रेस्क्यू टीम जब नीचे देखी तो 3 कोस्ट गार्ड में 1 कोस्ट गार्ड की हेल्थ बिल्कुल खराब थी, वो हाइपोथर्मिया के दूसरे स्टेज में था। अब तक समुद्री हवाएं कुछ हद तक कम हुई थी मगर बारिश होना अभी भी जारी है। आगे रेस्क्यू टीम जब उन तीनों को ऊपर लेने को सोची तो उन्होंने पाया कि अभी इन्हें रिफ्यूलिंग की जरूरत है, इसलिए तीनों को वहीं छोड़कर वहां से चली गई। अब तक उन 5ों कोस्ट गार्ड के पानी में रहते हुए 6 घंटे कंप्लीट हो चुके थे। इस तरह एक बार और रिफ्यूलिंग करने के बाद रेस्क्यू टीम वापस से उनके करीब आई, सबसे पहले उन तीनों को ऊपर ली। जब बाकी 2 और लोगों की जांच की गई तो पता चला वे उनसे कुछ ही मीटर पश्चिम साइड में थे। आगे उन दोनों को भी बचा लिया गया पर उन मछुआरों का कुछ पता नहीं चला। जब तूफान शांत हो गया तो अगले 10 दिनों तक रेस्क्यू मिशन चलाया गया। उस एरिया के लगभग 10 किलोमीटर में मछुआरों को ढूंढा गया पर ना मछुआरे मिले ना उनका बोट। इस तूफान ने समंदर के किनारे मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान पहुंचाया था जिसमें 12 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। इस वीडियो में बात की है ऐसे 2 देश के बीच की लड़ाई जो लड़ाई थी सोने के एक बहुत बड़े भंडार को हासिल करना, लेकिन जब सिपाहियों ने दुश्मन देश से सोने को बचाने के लिए सोने को एक ऐसे हिस्से में छुपाने का फैसला किए जहां दुश्मन देश नहीं पहुंच सकता था, पर उन्हें इस मिशन को पूरा करने में बहुत बड़ी कुर्बानी चुकानी पड़ी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।